बैक टू जे जे एंड गॉसिप अड्डा और मैं हूं आपके साथ रिया जोशी और मैं शताक्षी गौतम और आज हम आप सबके लिए फिर से ले आए हैं एक नई मूवी का रिव्यू जिसमें फ्रॉड से पैसे कमाते कमाते सच के भूत से पाला पड़ गया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की फिल्म भूत पुलिस के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, चिरंजी और विभूति, जो तांत्रिक हैं। दोनों के पिता अपने समय के मशहूर तांत्रिक हुआ करते थे और अपनी विरासत में तंत्र मंत्र और उनसे जुड़ी किताबें उन्हें दी। जहाँ चिरंजी उस चीकू अपने पिता की विद्या, तंत्र मंत्र और भूतों में विश्वास करता है, वहीं विभूति के लिए भूत महज एक पैसे कमाने और लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। दोनों अपने पिता का नाम सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ठगते हैं। हालांकि उन दोनों की जिंदगी तब बदलती है जब वो दोनों माया और कनिका से मिलते हैं। माया और कनिका दोनों एक अमीर पिता की बेटियां हैं। उनके पिता की मौत के बाद उनकी चाय की फैक्ट्री और बगान को संभालने का जिम्मा दोनों बहनों का है। जहाँ माया अपने पिता की विरासत का सम्मान करती है और उसे सजो कर रखना चाहती है, तो वही कनिका सब कुछ छोड़कर विदेश जाने का इंतजार कर रही है। ऐसे में उनकी फैक्ट्री पर पहाड़ों में रहने वाली चुड़ैल किच किंडी पहुंच जाती है और उन्हें दोनों भाइयों की मदद लेनी पड़ती है। अब चिरंजी और विभूति किच किंडी को भगा पाएंगे या नहीं, या किच किंडी जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, ये आपको फिल्म देख कर पता चलेगा। और अगर हम बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सैफ अली खान जो विभूति का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग का जादू तो लोगों पे चला ही दिया है। या कहा जाए तो फिल्म में उनका किरदार सबसे बढ़िया है। उनका बेफिक्रा और फ्लर्ट करने का अंदाज तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और साथ ही में अर्जुन कपूर जो चिरंजी नाम का किरदार निभा रहे हैं, वो एक भोले भाले लड़के के रूप में दिखाई देंगे और उनका काम भी काफी अच्छा है। यामी गौतम ने माया का रोल निभाया है और उनकी बहन कनिका का किरदार जैकलिन फर्नांडिस निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक्सेंट इस्तेमाल करा है और उनका किरदार काफी अच्छा है। फिल्म में जावेद जाफरी और अन्य एक्टर्स भी सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। अब हमारे हिसाब से अगर हम इसको रेटिंग दें तो 2.5 स्टार्स देंगे, क्या लगता है? Yes, I accept this, क्योंकि फिल्म वन टाइम वॉच के हिसाब से बहुत सही है। पर एक सेकेंड, साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप टाइमली नोटिफाई हो सके। और अगर हम आगे बात करें रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के बारे में, तो आजकल वो तो जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। बहुत जल्द ही शो का विनर भी मिल जाएगा। शो फाइनल्स के बहुत करीब जा चुका है। वही एक्ट्रेस सना मकबूल का फिनाले वीक से ही पहले एलिमिनेशन हो गया। शो से जाने के बाद सना मकबूल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, माय डिसीजन टू डू दिस शो वाज टोटली वर्थ इट, थैंक यू ऑल फॉर द हेट्रेड इफ यू हैव एनी अगेंस्ट द इमेंस लव यू हैव ऑल गिवन मी, योर सपोर्ट मीन्स लॉट, आई एक्सेप्ट, आई स्पीक लेस बट माय वर्ड्स इज वैल्यू मोर, लव यू ऑल। शो में सना की जर्नी काफी अच्छी रही है, उन्होंने काफी खतरनाक स्टंट्स भी परफॉर्म किए हैं। शो में सना मकबूल और विशाल आदित्य सिंह के बीच में कुछ प्यार भरे लव्हे भी देखने को मिले हैं और बाकी के कंटेस्टेंट्स दोनों को टीज भी बहुत करते हैं और उड़ती उड़ती खबरें तो ये आ रही हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सना के शोक से जाने के बाद अब देखने मजेदार ये होगा कि इस सीजन का विनर कौन होता है। प्लीज अपने गैसेस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम आप सबसे विदा लेते हैं क्योंकि कल भी तो आना है आपसे मिलने और ऐसी कुछ चटपटी गॉसिप के साथ। देखते रहिए जे जे एंड गॉसिप अड्डा।